a parking area, the total number of wheels of all the cars, four wheelers and scooters, motorbike, टू व्हीलर्स। तो यहाँ पर हमारे क्या है कि कार्स है हमारे पास और क्या है स्कूटर्स है, मतलब फोर व्हीलर है एंड टू व्हीलर है। यहाँ पर फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर्स है, तो फोर व्हीलर्स हम मान लेते हैं कि देखिए ये हमारी फोर व्हीलर्स है, ये हमारी क्या है टू व्हीलर्स। तो इसको एक्स मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी मान रहे हैं वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स हैं उसमें नंबर ऑफ व्हील्स हैं वो कितने, 100 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई हो जाएंगी, है ना। अगर कार को एक्स माना है और इसको वाई माना है, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ व्हील्स, तो नंबर ऑफ व्हील्स एक कार में कितने फोर होते हैं, तो नंबर ऑफ व्हील्स कितने फोर एक्स हो जाएंगे। स्कूटर में टू व्हील्स होते हैं तो कितने हो जाएंगे टू एक्स हो जाएंगे, टू वाई हो जाएंगे सॉरी। तो यहां से हम देख रहे हैं तो फोर एक्स प्लस टू वाई इसको कितना दिया, 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टोटल जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं। तो 100 प्लस ये हमको हो जाएगा 2x प्लस 2y इज, ये हमारा 4x प्लस 2y इधर होगा, 2y से 2y कैंसिल हो गया, 4x माइनस 2x करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि इस 2x को हम लेफ्ट में ले जाएंगे और ये 100। तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ कार्स पार्क, तो नंबर ऑफ कार हमने एक्स माना तो एक्स की वैल्यू कितनी 50 आ गई, तो उसका आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।